अभी जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे हार्डवेयर कंप्लीट करने वाले हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, किसी भी चीज़ को समझने के लिए अगर आप एडवांस में जा रहे हो, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ने जा रहे हो साइबर सिक्योरिटी का फील्ड में, नेटवर्क सिक्योरिटी सिमिलर है नेटवर्क सिक्योरिटी में आप जा रहे हो, या आप आगे की प्रिपरेशन कर रहे हो अकॉर्डिंग टू एथिकल हैकिंग के कॉन्सेप्ट के लिए एथिकल हैकिंग में, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बेस्ड आपको नॉलेज होना चाहिए, या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए हम लोग इन सभी प्रोफाइल्स के लिए, या आगे की सिस्टम की प्रिपरेशन या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिपरेशन पे आप जा रहे हो, या आप फर्दर जो कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे नेटवर्क सिक्योरिटी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जा रहे हो किसी भी तरीके का, तो हमें कुछ ऐसे बेसिक सब्जेक्ट होते हैं जो कि आने चाहिए। काफी डेप्थ में इनकी नॉलेज होनी चाहिए, लाइक हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो लिनक्स का हो चाहे वो विंडोज का हो, प्लस यहाँ पे आपको नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ आपको यहाँ पे मोबाइल ओएस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के अंदर BYOD टाइप की टेक्नोलॉजी और वहाँ पे मोबाइल के बेस पर काफी अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है अपने यूजर को, VPN यूजर और ऐसी चीजों को लॉग इन कराने के लिए। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला हमारा हार्डवेयर का जो चैप्टर है, आइडेंटिफाइंग कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ओके, अच्छा, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो हार्डवेयर लेवल पर कभी IT में ट्रेनिंग लिया है आप लोगों ने, या कभी लगा कि हमें हार्डवेयर को पढ़ना चाहिए? कभी किसने सर किसने मना पढ़ा लिया है? सर, मना लिया सर। अच्छा, और कोई? ओके, दो लोग, ठीक है। तो देखो, हार्डवेयर लेवल पर हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, कैसे हार्डवेयर फंक्शन करता है, उनके चिपसेट्स के बारे में कि कैसे फंक्शन करता है, किस कंपोनेंट्स का क्या काम होता है, इन सारी चीजों को लेकर कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक कंपोनेंट्स है जो कि आप देख रहे हो, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर। और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर में, कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड्स द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सच एज द केस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU जिसको बोलते हैं, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, स्पीकर एंड मदरबोर्ड। तो सिंपल, अभी जितना भी यहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल पे लगेगा तो आपको ज्यादा डाउट क्वेरी क्वेश्चंस नहीं होगा, तो समझने की फिर भी कोशिश करेंगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक समझ के इसको ऐसे नहीं कि छोड़ दो आप। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो CPU की बात करी जाए, मॉनिटर का, माउस का, कीबोर्ड का, कंप्यूटर्स का, डेटा स्टोरेज, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, स्पीकर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एक कंपोनेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस वन, तो ये कंपोनेंट किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज दिस? आईसी हाँ, इसको हम लोग क्या के बोलेंगे? बारे ये हमारा IC होता है। और एक और कंपोनेंट आप यहाँ पे देख रहे हो जो कि इस तरीके का है, दिस इज द स्टोरेज। ये आपका कंप्लीट क्या हो जाता है? स्टोरेज हो जाता है। ये आपका IC बोल सकते हो या चिप बोल सकते हो, है ना? IC इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप इसको बोलते हैं। ये हमारा, इसका एग्जैक्टली नाम क्या है? क्यों? सर्विस इसको, का हाँ, इसका ये जो मैंने मार्क किया हुआ पेंड्राइव है। है, ओके, तो इसको USB फ्लैश ड्राइव बोलते हैं, पेन ड्राइव भी बोलते हो, बट बेसिकली ये एक, मतलब नहीं होता टेक्निकल वे में, USB फ्लैश ड्राइव बोल सकते हैं, पेन ड्राइव बोलो या जो भी, ये सब कुछ सिमिलर है। ओके, और उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है दिस वन। ये आपका क्या होता है? हार्ड डिस्क, हाँ, एक्सटर्नल स्टोरेज या हार्ड डिस्क हम लोग बोलते हैं, दिस इज द एक्सटर्नल HDD। एंड जस्ट उसके बाद ये हमारा इंटरनल HDD हो जाता है। ये सब कंपोनेंट्स हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर इस्तेमाल करते हैं।
एचडीडी का जहां पे भी ये लिखा हुआ, इसका मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव. ओके, ये हमारा लैपटॉप सिस्टम है. ये लैपटॉप नहीं इसको बोलेंगे, ये एग्जैक्टली क्या है, नोटबुक बोलेंगे. राइट, लैपटॉप कैसा होता है फिर, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, नोटबुक है. लैपटॉप आपने देखा होगा कि ये काफी हैवी होता है. लैपटॉप की अगर बात करें, मूवीज वगैरह में कभी कभी देखा होगा कि एक सूटकेस जैसा ओपन करता है कभी कभी जो भी मतलब होस्ट होता है, और उससे वो कभी मिसाइल लॉन्च करने के लिए कुछ ऐसे चीजों के लिए वो दिखाते हैं मूवी में, आपने ध्यान दिया हो तो. राइट, तो वो जो डिवाइस होती है उसको लैपटॉप बोलते हैं. बट अभी हम लोग लैपटॉप का एक समझेंगे कि एक मतलब कि लोअर वर्जन यूज करते हैं जो कि नोटबुक बोला जाता है. एंड ये हमारा कंपोनेंट है जिसको रैम बोलते हैं, रेंडम एक्सेस मेमोरी. एंड ये भी हमारा एक रैम कंपोनेंट है, मतलब रैम है, इसको भी रेंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं. अब इन सब एक एक कंपोनेंट्स का डिटेल्स भी अभी आगे चलेगा कैसे क्या है, अभी तो अभी डे वन है, तो एक एक कंपोनेंट्स पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं. सो दीज आर द कंपोनेंट्स, और इन सब चीजों पे हमें समझना है. अच्छा, कोई ऐसा कंपोनेंट हम लोग अगर एक लैपटॉप, अच्छा कितने लोगों ने अभी इसमें से लैपटॉप या डेस्कटॉप असेंबल डिसेंबल अपने सिस्टम्स को ऐसे किया है, आप में से कितने लोगों ने, किसी ने किया है? सीपीयू किया हूं सर. ओके, तो यहाँ पे अगर कंपोनेंट्स की हम लोग बात करते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो या आपका डेस्कटॉप, डेस्कटॉप को ही आप पीसी बोलते हो, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर. और आपने देखा होगा इसमें आपको मिल जाता है सर्वर कंप्यूटर्स या सर्वर पीसी मिल जाते हैं, और इसमें आपको मतलब कि गेमिंग पीसी भी मिलते हैं, गेमिंग पीसी, गेमिंग लैपटॉप भी आता है. ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस हम लोग देखते हैं, गेमिंग लैपटॉप या नोटबुक ऐसे करके, और एक मतलब कि टैबलेट और ऐसे बहुत सारी चीजों को, क्रोम बुक टाइप का भी आ गया है अगर हम लोग इसकी बात करें, तो क्रोमबुक, ये क्रोमबुक. तो इसमें से जितने भी कंपोनेंट्स अभी आप यहाँ पे देख रहे हो ना, चाहे वो आप लैपटॉप की बात करो या डेस्कटॉप पीसी की बात करो, सर्वर पीसी की बात करो, हर एक का डिजाइन और जो यूजेस है वो डिफरेंट डिफरेंट है. अगर आप यहाँ पे डेस्कटॉप पीसी की बात करते हो तो उसका मदरबोर्ड का साइज अलग है, उस पे रैम जो कनेक्ट होता है उसका साइज अलग है, उस पे ग्राफिक कार्ड्स जो कनेक्ट होते हैं उसका साइज अलग है. वही गेमिंग लैपटॉप की अगर बात करते हैं, इसके रैम का साइज अलग है, मतलब डिफरेंट होता है. लैपटॉप की सीरीज लैपटॉप से मैच करती है, चाहे वो क्रोमबुक हो, लैपटॉप हो, ये सब. बट लैपटॉप के जो मदरबोर्ड हैं ये सब ना ही आपके गेमिंग पीसी ना ही सर्वर किसी से मैच होते हैं. तो इनका एक डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है कि आर्किटेक्चर होता है, और उसके अकॉर्डिंग ये सारी डिवाइसेस वर्क कर रही होती हैं. इसमें रैम भी आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, कि आपने DDR1 का नाम सुना होगा, DDR2 का नाम सुना होगा, 3 का, 4 का, 5 का, ऐसे ग्राफिक कार्ड्स वगैरह का लेकर भी आप 5 वगैरह तक अभी देख रहे हैं मार्केट में अवेलेबल हैं चीजें. तो ये भी हमारा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट यूज के लिए आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग मदरबोर्ड पे ये सब चीजें इंस्टॉल करी जाती हैं. तो अगर ये सब हमें पता है कि किस कंपोनेंट से क्या प्रॉब्लम होती है, तो वो सब एग्जैक्टली पता कर पाएंगे, और आगे भी चल के हम काफी बेटर तरीके से अपने नेटवर्क, अपने रिसोर्सेस में या अपनी कंपनी में इसका सपोर्ट दे पाएंगे. अगर एक छोटा सा हमारे सिस्टम पे प्रॉब्लम, अगर मैं बोलूं कि अगर हमारे पास एक लैपटॉप है, एक छोटा सा लैपटॉप नोटबुक जिसको आप बोलो, उसके अंदर क्या है कि जैसे ही ऑन हो रहा है 10 मिनट चलने के बाद, 10 मिनट चलने के बाद वो शट डाउन हो जा रहा है. ओके, तो इसमें अभी बाय डिफॉल्ट मतलब आप लोग आंसर करो कि क्या ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बैटरी प्रॉब्लम. बैटरी मतलब कि हमारा पावर कनेक्शन लगा हुआ है फिर भी ऑफ हो जा रहा है, बैटरी का इशू नहीं है. रैम का प्रॉब्लम हो सकता है. रैम का प्रॉब्लम तो 10 मिनट बाद बंद होगा. रैम में प्रॉब्लम, ठीक है चलो रैम ऐड कर दिया. और सर एक सीमोस बैटरी रहती है अंदर में. चलो यहाँ पे एक सीमोस कुछ मैंने लिख दिया, कोई बैटरी है इसकी प्रॉब्लम की वजह से. और हार्ड डिस्क इशू.
हार्ड डिस्क इशू क्या सर? मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, साफ साफ बोल दीजिए, लैपटॉप में प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ एक ही आंसर में सब आ जाए, है ना? तो क्या प्रॉब्लम हो सकती एग्जैक्टली? जैसे 10 मिनट में वो बंद हो जा रहा है, तो सबसे पहले 10 मिनट बाद हम ऑन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑन हो रहा है, तो हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर मैनर से चेक करें, या अपने मतलब नहीं होता है कि एक फिजिकल कंपोनेंट में हीटिंग का इशू चेक कर लें कि हमारे नेट मतलब हमारे सिस्टम पर हीटिंग तो नहीं है, कोई ऐसा प्लेस कीबोर्ड साइज बैटरी साइज जहां चार्जिंग पिन होती है ना, ये सब तो नहीं है। बाहर से आप देख लो आपके लैपटॉप या जिस पे भी फैन वगैरह का इशू है, ये सब तो नहीं मतलब प्रॉपर चल रहा है या कुछ ऐसा तो नहीं, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है या चलना बंद हो गया है? ये भी तो दिक्कत होती है, फैन खराब हो जाता है, मोटर वो हो जाती है, तो सिस्टम अपने आप थोड़े समय के बाद हीट होकर बंद हो जाता है, राइट? ये सब चीजें होती हैं। एंड और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक कि आपके नेट आपके मतलब ओएस में वायरस वगैरह की प्रॉब्लम से, बग्स वगैरह बन जाने से हार्ड डिस्क के अंदर, है ना, ये सब चीजों के हो जाने से, रैम प्रॉपर कनेक्ट नहीं है, तो अब रैम प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे ना, जैसे इंटरव्यू में जाते हैं हम लोग तो मैक्सिमम बोलता है कि ठीक है हमारे सिस्टम पर सिस्टम बार बार मतलब हमारा लैपटॉप है बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो बोलते हो या तो लैपटॉप रैम प्रॉब्लम होगा या तो हार्ड डिस्क प्रॉब्लम होगा। ये कोई प्रॉब्लम तो आप कंपोनेंट को मतलब एक पर्सन है वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर बोल दे तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम है, तो कहेंगे ठीक है इलाज करो, आपको प्रॉब्लम पता चला उसने अगर ऐसा बोल दिया तो एग्जैक्टली हमें बताना चाहिए कि अगर हमारा रैम है तो रैम प्रॉपर कनेक्ट नहीं है डस्ट की वजह से, प्रॉपर पिन तो ऐसा नहीं है, मिसमैच है, डैमेज है, कुछ भी ऐसे कुछ उस पे प्रॉब्लम काउंट करेंगे। सीमॉस है तो शायद बैटरी चार्ज नहीं हो, सीमॉस फेलियर है मतलब सीमॉस बैटरी रिप्लेस करके देखें सब चीजें। हार्ड डिस्क में बग है, हार्ड डिस्क में क्या हो सकता है, हार्ड डिस्क प्रॉपर कनेक्ट नहीं है, सेटा या जो भी उसका पावर सप्लाई के लिए है वो सब प्रॉपर है कि नहीं, साटा पावर सप्लाई साटा इंटरफेस कनेक्टर दोनों प्रॉपर कनेक्ट है कि नहीं, अगर आटा एटा हार्ड डिस्क है जो कि पाटा हार्ड डिस्क बोलते हैं वो प्रॉपर है कि नहीं, तो एग्जैक्टली हमें ये सब चीजें पता होना चाहिए। तो बेसिक का मतलब यही है कि आप जब स्टार्ट करे हो यहाँ पे लर्न करना इन सब चीजों को तो आपको ए टू जेड सारी चीजें ये पता चलेगा। अभी डे वन है तो मैं एग्जैक्टली ज्यादा उस पर नहीं कर रहा कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, अभी आप 10 दिन 5 दिन के बाद खुद ही सारी प्रॉब्लम ट्रबल करना समझ जाएंगे कैसे क्या होता है, ठीक है? तो फिलहाल ये सारी चीजें हैं कंपोनेंट्स ऑफ इसकी बात करें। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अपने आयो पोर्ट्स को लेकर, तो आयो पोर्ट्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये भी हमारे पास एक आयो पोर्ट्स है, और इस आयो पोर्ट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्क के लिए। सॉरी, जैसे कि हमारे पास एक आयो पोर्ट आप देख सकते हो, इस आयो पोर्ट का यूज क्यों किया जाता है, दिस वन, ये एक आयो पोर्ट है, एक आयो पोर्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, एक यहाँ पे आयो पोर्ट है। हाँ जी हेलो, हाँ हाँ सर, जो आपने जो इससे पहले करवाया है हार्डवेयर का, तो सर हम वो सब कुछ भी हार्डवेयर में इशू होगा तो हम उसको हार्डवेयर डायग्नोसिस कर सकते हैं ना? हाँ, आगे सब अभी पता चलेगा, ठीक है? देखो यहाँ पे मैंने इतने सारे मतलब कि आयो पोर्ट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स यहाँ पे रखा। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो हमारा पहला पोर्ट यहाँ पे डिटेक्ट करा गया है या दिखाया जा रहा है, दिस वन, दिस इज द PS2, ओके, PS2 कीबोर्ड एंड माउस। तो यहाँ पे क्या कनेक्ट किया जाता है, आपका कीबोर्ड या तो कनेक्ट होता है एंड माउस, ये PS2 कीबोर्ड एंड माउस बहुत पहले आते थे, और ये देखो आपका यहाँ पे 6 पिन ऐसे मेन जो कनेक्टर के लिए होता था, एक आपका इसको होल्ड रखने के लिए, तो टोटल यहाँ पे 7 पिन का एक सपोर्ट मिलता था, यहाँ पे देखो काउंट कर सकते हो, बट इसमें से 6 पिन यूज में था, एक जो था वो ग्राउंड पिन के नाम से मतलब बोल सकते हो ऐसा यूज किया जाता था, और उससे क्या होता था पूरा होल्ड प्रॉपर तरीके से कनेक्टर में हमारे माउस PS2 कीबोर्ड और माउस का हो जाता था। ये एक ऐसा मतलब ये जो
पोर्ट है ये मैक्सिमम आपका, या मैक्सिमम नहीं 100% आपके सर्वर पीसी डेस्कटॉप जैसे कंप्यूटर में अवेलेबल थे, लैपटॉप वगैरह में ये अभी देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा जस्ट इसके नीचे आप HDMI पोर्ट देख रहे हो। HDMI पोर्ट का क्या इस्तेमाल होता है, इसमें देखो एक मिनी HDMI है, एक माइक्रो HDMI है, ऐसे करके ये सब होता है। तो क्या है HDMI का यूज, हाई डेफिनेशन वीडियो या गेमिंग पर्पस के लिए, राइट? तो हाई वीडियो रिजोल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं ना? हाँ, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। अभी इन सब चीजों का एक एक करके डेप्थ में मैं बताऊंगा, पहले आइडेंटिफिकेशन और इन सब चीजों को देखते हैं। तो HDMI पोर्ट का यूज किया जाता है हाई क्वालिटी की वीडियो प्ले करने के लिए, लाइक 4K है ना, अच्छी क्वालिटी का 5K 6K, और गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो क्वालिटी या वीडियो का मतलब की ट्रांजेक्शन होता है ना, आपका जो वीडियो कार्ड है और इन सब चीजों से उतना, जैसे कि लैग अगर आप देखेंगे आपके कंप्यूटर सिस्टम पर, जो पुराने सिस्टम होंगे जिसमें ग्राफिक कार्ड नहीं होगा या हाई क्वालिटी का सपोर्ट नहीं होगा और उसमें हाई क्वालिटी की वीडियो प्ले करेंगे तो वो फ्रेम प्रॉपर चलते नहीं है, उतना फ्रेम सपोर्ट नहीं करता, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी वीडियो लैग करने लगती है या थोड़ी फस फस के चलने लगती है। तो इसका सपोर्ट या इन सब चीजों के लिए, हैवी क्वालिटीज की वीडियोस के लिए, गेमिंग के लिए HDMI सपोर्ट आपको मिल जाता है। इसके साथ यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो पोर्ट है, दिस इज द VGA पोर्ट, ये क्या आपका वीडियोग्राफिक एरे होता है, और इस पोर्ट का यूज किया जाता है मतलब कि एक नॉर्मल वीडियो प्ले करने के लिए, या डिस्प्ले पोर्ट बोल सकते हैं इसको, डिस्प्ले लेने के लिए। और ये जो डिस्प्ले लेने के लिए पोर्ट है, ये सिंपल अगर आप यहाँ पे 4K का वीडियो प्ले करेंगे नॉर्मल VGA पोर्ट से, तो नॉट पॉसिबल कि इसके थ्रू ये चीज मैनेज हो पाए या 4K की वीडियो प्ले कर पाए। तो अगर आप गेमिंग पीसी पर यूज कर रहे हैं और हैवी क्वालिटी का आपका पीसी ऐसा कुछ है और उसको VGA केबल से कनेक्ट करके काम कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उससे ना चलाइए, उस पे आपका पोर्ट अवेलेबल होगा HDMI पोर्ट, और HDMI केबल को बाई करके चलाइए। HDMI केबल में भी बहुत सारी कैटेगरीज आती है, कौन सा 30 FPS पर सपोर्ट करता है, कौन सा 60 FPS पर सपोर्ट करता है, अगर आप 4K की वीडियो चला रहे हो ऐसा कुछ है तो एटलीस्ट 60 या प्लस उससे ज्यादा मतलब कि आपका HDMI केबल सपोर्ट करना चाहिए। तो सब कुछ को मैच करके अगर हम प्रॉपर आउटपुट लेते हैं तो वो चीज हमें देखने को मिलती है। ओके, तो नेवर ट्राई टू गेट एनी आउटपुट या वीडियो आउटपुट और गेमिंग आउटपुट विद द हेल्प ऑफ VGA पोर्ट। ओके, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक और पोर्ट है जो कि ये भी हमारा डिस्प्ले पोर्ट होता है, आपने प्रोजेक्टर वगैरह कनेक्ट करने के लिए और इन सब चीजों के लिए यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक ब्लैक USB पोर्ट दिख रहा है, दिस इज द USB 2.0, जो ब्लैक कलर का होता है ये 2.0 होता है। इसकी स्पीड क्या होती है, लो होती है इन कंपेयर ऑफ ब्लू कलर के USB पोर्ट से। जो ब्लू कलर का USB पोर्ट होता है ये USB 3.0 होता है, राइट? तो इसका स्पीड जो होता है काफी हाई होता है, ओके 10 टाइम फास्ट होता है इन कंपेयर ऑफ 2.0। तो ये सब चीजें, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ USB पोर्ट से हो जाएगा, आपके पेन ड्राइव को भी उस तरीके का कंपेटिबिलिटी होना चाहिए। जैसे पेन ड्राइव अगर ले रहे हैं, फ्लैश ड्राइव जिसको बोलते हैं, या आप हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 3.0 वो भी सपोर्ट करे, राइट? तो इंटरनेट पर अगर आप गूगल करेंगे, चेक करेंगे, तो 2.0 3.0 ये सब के सब अवेलेबल होता है। ओके, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि USB 3.0 PD ऐसे करके मैंने लिखा, तो देखो ऐसे करके यहाँ पे ये पेन ड्राइव आ जाएगा, ये ब्लू कलर में मैक्सिमम देखने को मिलेगा, ब्लू कलर का होता ही है ऐसे करके। और ऐसे अगर 2.0 का आप देखोगे तो 2.0 का बिल्कुल ब्लैक कलर का एक आइकन और ये सब चीजें देखने को मिलेगा, पीडी या पेन ड्राइव ऐसे करके। तो ब्लैक कलर का ये सेक्शन होता है पेन ड्राइव या USB फ्लैश ड्राइव, ये ऐसे करके। ओके, तो सिंपल ये पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं। अभी जो 3.0 पर देखेंगे तो उसकी स्पीड भी आपको इससे, इसके कंपेयर में 10 टाइम फास्ट और ये सब चीजें देखने को मिलता है।
तो कोशिश रखें कि एटलीस्ट अगर आप लैपटॉप आज के समय पर बाई करने जा रहे हैं तो कुछ ऐसे सिस्टम को या कॉन्फ़िगरेशन को जरूर देखें जिसमें HDMI सपोर्ट होना चाहिए, जिसके अंदर 3.0 का सपोर्ट होना चाहिए। ओके, ये सारी चीजें होना चाहिए। यहाँ पे एक पोर्ट ये भी है जो कि हमारा सिमिलर इन सब चीजों के साथ मैच कर रहा है, और एक पोर्ट ये वाला है। इस पोर्ट को हम लोग बोल सकते हैं, ये वाला जो पोर्ट है ये हमारा क्या है, लैन पोर्ट है ना। लोकल एरिया कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन के लिए ये पर्टिकुलर पोर्ट इस्तेमाल किया जाता है, और लैन पोर्ट जो भी है हमारा यहाँ पे लैन केबल को कनेक्ट कराने के लिए होता है, लैन या इथरनेट केबल। और इस केबल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट एक्सेस करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं। ओके, अगर इस लैन पोर्ट पर स्पीड के, मतलब इस लैन पोर्ट का भी स्पीड होता है। अगर हम लोग केबल, कभी कभी मार्केट में जाते हैं और बोल दिया हमने मार्केट या दुकान वाले से कि भैया मुझे 100 MBPS का केबल दे दो, और हमारा ये जो पोर्ट है ये इथरनेट टेक्नोलॉजी पर सपोर्ट करता है या मैक्सिमम इथरनेट तक की स्पीड देता है, तो ये भी चीज हमें यहाँ पे देखना होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे इथरनेट ले रहे हैं या लैन केबल ले रहे हैं तो इथरनेट की टेक्नोलॉजी के लिए हमारा 100 MBPS वाला काम नहीं करेगा। ये भी आप जब नेटवर्किंग में आएंगे तो ETH, FAETH, फास्ट इथरनेट, GBETH, इन सब चीजों में मतलब पता चलेगा। जो ETH होता है ये अप टू 10 MBPS का होता है, अप टू 100 MBPS का होता है, अप टू 1000 MBPS का होता है, इनमें डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर हमारा मेन जो सपोर्ट करने वाला पोर्ट है वही 10 MBPS का है, जो पुराने PC और ऐसे होते हैं ऐसा आता है जहाँ जहाँ पे नहीं होता है कि हम लोग थोड़े से पैसे और इन सब चीजों की वजह से थोड़ा सा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो इन्हीं सब चीजों का ये सब वो होता है। कहेंगे उसमें भी तो वही पोर्ट मिल रहा है, वही सारी चीजें जो अननोन होते हैं थोड़ा, जिनको टेक्निकली हार्डवेयर बेस्ड नॉलेज नहीं होती, हम लैपटॉप बाई करने जाते हैं या कुछ भी ऐसे, तो कहते हैं USB तो उसमें भी सपोर्ट कर रहा है, उसमें भी कर रहा है, चलो यही वाला ले लेते हैं, 5000 सस्ता है, सब चीजें। तो इतना ज्यादा डिफरेंस होता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे तीन पोर्ट है साउंड आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए। इन तीनों का अलग अलग सेक्शन है। आप देख सकते हो कि एक हमारा माइक के लिए होता है, आउटपुट एसेसरीज कुछ ऐसे होते हैं उनके लिए होता है, और आउटपुट साउंड के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसके थ्रू हम लोग आउटपुट लेते हैं। ओके, तो एक माइक के लिए बहुत सारे एसेसरीज होती है नहीं, जिनके थ्रू हम लोग या ऑडियो इनपुट भी देते हैं, है ना, ऐसे जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, ऐसे कुछ चीजों को लेकर। बाकी हमारा मेन जो पर्पज है ये वाला पोर्ट है, और इस पोर्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ऑडियो आउटपुट लेते हैं, जैसे गाना, म्यूजिक या स्पीकर्स वगैरह आप लगा रहे हो तो इस पोर्ट पर आप कनेक्ट करेंगे। ओके, ये सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो काफी डिफरेंस हमारा हो जाता है HDMI पोर्ट और VGA के पोर्ट में। VGA और HDMI का डिफरेंसेस अगर देखेंगे तो 10 टाइम का डिफरेंस आएगा, और इससे भी फास्ट ट्रांसमिशन डेटा का जो है या क्वालिटी का है वो सी पोर्ट का अभी देखने को मिलेगा। अभी बहुत सारे लैपटॉप में सी पोर्ट से भी डिस्प्ले लिया जाता है कि नहीं। ये सारी चीजें होती हैं। कुछ कंपोनेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, दीज आर द कंपोनेंट्स जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ये डेस्कटॉप PC है, दिस इज द लैपटॉप नोटबुक हमारा, ये भी स्कैनर टाइप है, मॉनिटर है, कीबोर्ड माउस है, प्रिंटर है, मल्टीमीडिया प्रिंटर्स, और ये सब चीजें यहाँ पे देखो, मल्टी फीचर प्रिंटर्स यहाँ पे रहते हैं, रैम है, ग्राफिक कार्ड है, साउंड कार्ड, लैन कार्ड, DVD राइटर, कैमरा, और फर्दर फिर यहाँ पे आप देखो तो हमारे ये सब क्या रखा हुआ है, पावर सप्लाई है। हाँ, एंड यहाँ पे स्टोरेज या सर्वर बोल सकते हैं कुछ होगा, ये कुछ ऐसे मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, स्पीकर्स हैं, हेडफोन है। ओके, तो ये सारे कंपोनेंट्स हमारे होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे PS2 कीबोर्ड एंड माउस का अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो PS2 कीबोर्ड एंड माउस, क्या क्वेश्चन ऐसा होता है जब भी हार्डवेयर लेवल पे ऐसा जाते हैं सभी लोग, क्या इसको डिसेबल किया जा सकता है? बाकी सारे पोर्ट को तो आप बायोस से डिसेबल कर सकते हो, बहुत सारे पोर्ट से यहाँ से डिसेबल हो जाते हैं, बट PS2 कीबोर्ड एंड माउस का जो पोर्ट है ये बायोस में डिसेबल नहीं होता। ओके, ये चीज हमेशा याद रखें। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी या कहीं पर ये सब पोर्ट डिसेबल रखे जाते हैं ताकि कोई भी इसको एक्सेस ना करे या इस पोर्ट पर किसी भी तरीके का
एसेसरीज ना इस्तेमाल कर पाए। बट ये जो पोर्ट्स होते हैं PS2 कीबोर्ड एंड माउस के लिए, ये हमारा डिसेबल नहीं होता। बट अभी कौन इसका इस्तेमाल करता है? हम सभी लोग USB कीबोर्ड माउस खरीदते हैं, या तो फिर ब्लूटूथ, या तो फिर वायरलेस खरीदते हैं, राइट? मतलब कि जो छोटा सा ट्रांसीवर रिसीवर के थ्रू होता है। तो ब्लूटूथ और वायरलेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वायरलेस कीबोर्ड माउस जो होता है ट्रांसीवर रिसीवर से चलता है, और ब्लूटूथ वाला जो होता है आपके इनबिल्ट ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से चलता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजी है। तो अभी कोई भी इस पोर्ट को इस्तेमाल नहीं करता, इसका एक प्रॉपर रिलायबल पोर्ट है USB या तो फिर वायरलेस। तो इन सब चीजों के लिए है। ओके, अभी यहां तक में किसी को कोई डाउट? नो सर। हाँ जी, इथरनेट वाला जैसे है ना, इथरनेट कनेक्टर आते हैं, फास्ट इथरनेट आते हैं। तो इथरनेट 10 MB होता है, फास्ट इथरनेट 100 Mbps से चलता है, और GB इथरनेट 1000 Mbps की स्पीड से चलता है। अभी नेटवर्किंग में मैंने बोला ना, नेटवर्किंग का ये टॉपिक है, तो उसमें आपको पूरी डिटेल्स में मिलेगा। हाँ, इंटरनेट के लिए ही है। तो इतना क्लियर है? हाँ जी। तो इथरनेट केबल के थ्रू एक वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है? ऑडियो जा रही है सभी को? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। तो ये फंडामेंटल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और फंडामेंटल में कुछ ऐसे क्वेरीज आप लोगों की हैं जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी VGA को लेकर डिस्प्ले पोर्ट को, चलो ठीक है, डिस्प्ले पोर्ट ये होता है जो बगल में अभी आप देख रहे हो ना, जो आपके ये इसके बगल में ऐसे है। प्रिंटर्स के लिए भी ऐसे, सीरियल प्रिंटर्स और इन सब चीजों के लिए भी आ जाते हैं पोर्ट, राइट? तो ये है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं DVI पोर्ट एंटर, तो देखो ऐसे करके ये है ना, मैच करिए इसके साथ कुछ ऐसे, दिख रहा है? एंड DVI पोर्ट डिजिटल विजुअल इंटरफेस, और इस पर्टिकुलर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है प्रोजेक्शन के लिए, और नहीं होता है थोड़ा सा क्वालिटी वीडियो को प्रोड्यूस करने के लिए, आउट गो करने के लिए, है ना? तो ये भी हमारा एनालॉग सिग्नल्स पर काम करता है, सॉरी एनालॉग एंड डिजिटल दोनों सिग्नल पर काम करता है, और हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर ये कनेक्ट होता है। ऐसे हमारा ये PS2 कीबोर्ड एंड माउस आपने देखा था, PS2 कीबोर्ड एंड माउस का, एंड ये जो होता है वायलेट कलर का, ये कीबोर्ड के लिए माउस के लिए। इस वाले को हम क्यों ना इस इमेज को एक बार यहाँ पे इस्तेमाल करें, आई थिंक दिस वन, कॉपी इमेज, और ये है। तो बस यही सारी चीजें हैं, ये हमारा DVI पोर्ट आपने देखा। बाकी और किसी पोर्ट को लेकर कोई वो तो नहीं? इथरनेट या लैन पोर्ट वाला हमारा ये होता है, इस तरीके से ये काम करता है, और फिर इस पे हम लोग यूज करते हैं, राइट? ये ऐसे हम लोग इधर कर लेते हैं इसके साथ। तो बस ये है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग लिखते हैं या यूज करते हैं, जैसे VGA और HDMI के बारे में अगर डिफरेंसेस कहीं पूछा जाता है, तो है किसी को आइडिया क्या डिफरेंसेस हैं VGA और HDMI का? क्या डिफरेंस होता है? बताइए आप लोग। दो पॉइंट में बना लेता हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। एक तरफ मैं लिखता हूँ VGA, एंड एक तरफ मैं ऐड करता हूँ HDMI। पहले VGA के बारे में ऐड करते हैं, VGA में क्या क्या चीजें होती हैं, और कम से कम एक एक आंसर सभी लोग बताएंगे। अभी 12-15 आंसर जो भी हमें खुद ऐसे ही मिल जाने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट क्या लिखूं? पुअर रिजोल्यूशन।
ये पहला यहीं पे आ गया। हाँ पीजी में लेस क्लैरिटी सर, स्पीड ठीक है, हाई स्पीड एंड पिक्चर क्वालिटी, VGA में लेस स्पीड और HDMI में हाई स्पीड। तो VGA जो है ये डिजाइंड बाय, पूरा डिटेल्स में देख लो, IBM। किसने इसको डिजाइन किया था, मतलब ये पोर्ट इंप्लीमेंट हुआ था किसके द्वारा? IBM। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियो ग्राफिक एरे एडॉप्टर, दोनों में से आप जो भी हो, एडॉप्टर बोलेंगे। एरे मतलब होता है सिंपल, उसी नेम से है, एरे एडॉप्टर का ही कैटेगरी है, बट एडॉप्टर इसका एक, मतलब ऑफिशियली ये नेम वो करा गया था। और एक तरीके का बोले तो दिस इज द ओल्डर एंड स्लो फॉर वीडियो आउटपुट। एक तरीके का ओल्ड टेक्नोलॉजी है और काफी स्लो है वीडियो आउटपुट के लिए। ओके अगर इसमें हम लोग बोलें तो वीडियो सिग्नल्स कैरी करता है और वो भी एनालॉग डिवाइसेस, इट मतलब कि इट यूसेज यूज्ड सिंपल एनालॉग सिग्नल। ओके ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल यूज करता है वीडियो क्वालिटी के लिए। ओके वीडियो या एनालॉग डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये हमारा सिंपल बोल सकते हैं कि 15 कितने पिंस इसमें होते हैं। ये क्या हुआ, इसमें 15 पिंस कनेक्टर होते हैं, राइट, मतलब 15 पिन का ये कनेक्टर होता है और इसको यूज किया जाता है एज अ 15 पिन। और ये सपोर्ट करता है आरजीबी कलर, आरजीबी कलर यहाँ पे यू आर से ही होगा। तो आरजीबी कलर मतलब जानते हो ना, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो ये तीन कलर के कॉम्बिनेशन से पूरा का पूरा आपका जो कलर आउटपुट देता है। और आरजीबी के अलावा अभी अगर मार्केट में आप जाएंगे तो इतने सारे एडवांस टाइप्स के आ गया है, एचडीआर का आपने देखा होगा, 10 HDR का है ना, बहुत ही हाई डायनेमिक रेंज पर जिसका कलर कंट्रास्ट वगैरह होता है ना, 4K OLED आ गया सर, OLED है। आप देखेंगे sRGB सपोर्ट मिल रहा है अभी सभी को, RGB के साथ भी मतलब सुपर RGB सपोर्ट ऐसा इन सब चीजों का मिलता है, और विच इज वेरी पावरफुल, और इन सब चीजों पे जिसमें कि A to Z वही कलर दिखाएगा जो एग्जैक्टली है ना। पुराने मॉनिटर या स्क्रीन पर या मोबाइल पर आप देखते होंगे तो आपको कलर उतना बढ़िया नहीं दिखता होगा, या जो कलर एग्जैक्टली है वो नहीं दिखता होगा, थोड़ा सा डिफरेंस दिखता होगा। बट अभी HDR sRGB इन सब चीजों के रिफ्रेश रेट के बढ़ जाने से काफी बेस्ट आपको इसमें मिल जाता है। मैक्सिमम अगर आप VGA में देखेंगे ना तो 60 Hz का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, और अभी अगर बात करी जाए तो मैक्सिमम मतलब कि 120 या इससे भी ज्यादा आप लोगों को गेमिंग और इन सब चीजों में इस्तेमाल करने को मिलता है। इवन देन 240 Hz तक का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है। तो अगर मान लिया कि आपके पास खूब अच्छा सा आपने 2 लाख का PC बिल्ड करा लिया और आप उसमें आउटपुट लेना चाहते हो VGA के थ्रू 4K का, तो इट इज पॉसिबल। आप कहेंगे मेरा तो सब कुछ ओके, बट इतना नहीं है, तो ये पता होना चाहिए मैक्सिमम 60 Hz तक का रिफ्रेश रेट आप इसका क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और अगर इसके रेजोल्यूशन की बात करें तो मैक्सिमम इसमें 1600 से लेकर कितना तक का रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, देखा, इसीलिए कहा जाता है बेसिक पढ़ना चाहिए। तो 1200 तक, 16:1200 का आपको वीडियो क्वालिटी मिल जाता है। अगर आप इसके थ्रू FHD फुल HD मतलब रेजोल्यूशन लेना चाहें तो ले पाएंगे 1920x1080 का। हाँ कुछ ऐसे अभी है, ऐसा नहीं कि ये एकदम बिल्कुल सही मैं मेजर कर रहा हूँ, बट इसका एक प्रॉपर आउटपुट हमें इतना तक मिलता है। बट बहुत सारे ऐसे इसमें भी एडवांस लेवल पे केबल्स डिजाइन करी गई हैं या हाईवी डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज करी गई हैं, जिनमें आप 9020x1080 का ले सकते हैं पिक्सल्स, है ना, मिलता है। बट
उसके अंदर जो आपको कलर एक्यूरेसी मिलेगा या रिफ्रेश रेट स्क्रीन का मिलेगा वो प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जो एक प्रॉपर मतलब डेटा है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, राइट? क्लियर? यस। ये सारी चीजें होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट VGA। एंड अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं HDMI। इसके बारे में अभी एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट बताएं सभी। सर HDMI जो है वो ऑडियो वीडियो दोनों सपोर्ट करता है। पहला पॉइंट हम लोग इसमें ले सकते हैं हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, एक शॉर्ट वे में लिखते हैं हाई क्वालिटी वीडियो प्रोड्यूस करता है। ये बेस्ट आंसर अभी किसी ने दिया था, वीडियो एंड ऑडियो दोनों कैरी करता है। सर ऑडियो वीडियो दोनों, ये ऑडियो एंड वीडियो दोनों कैरी करता है। अच्छा, इसको डेवलप करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए कौन कौन सी कंपनीज हैं? लाइक आपने हिटाची का नाम सुना होगा, थॉमसन का, सोनी का, सिलिकॉन इमेज का, तोशिबा का, बहुत सारी ऐसी कंपनियां इसको मैन्युफैक्चर करती हैं। तो हम यहाँ पे HITACH हिटाची लिख देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इसके साथ था, सोनी ने किया हुआ है। तो हर एक ने अपना एक मतलब की बेस्ट वो करा हुआ है, पैनासोनिक ये सब चीजों ने मतलब इम्प्लीमेंट किया था, इंट्रोड्यूस किया था इसको। ओके, तो ये सब है। नेक्स्ट इसमें क्या लिखे, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये कितने पिन का आता है? 19 पिन्स से लेकर 29 पिन्स तक ये अवेलेबल होता है। तो पिन ज्यादा है तो डेटा रेट भी ज्यादा होगा इसमें, है कि नहीं? पिन ज्यादा है तो डेटा रेट भी ज्यादा होगा। तो डेटा जो रेट है, डेटा रेट हाई इन कंपेयर ऑफ VGA। काफी ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको 2K, 4K, 5K, 6K या मैक्सिमम हम 8K तक का सपोर्ट ले सकते हैं। इतना HDR सपोर्ट इसके अंदर आपको HDR, sRGB ये सभी सपोर्ट देखने को मिलता है। स्मॉल एस कैपिटल RGB, ये तो sRGB सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर आपको sRGB, HDR इन सब चीजों का डिफरेंस नहीं पता है तो एक बार गूगल जरूर कर लेंगे, है ना? तो थोड़ा सा कलर रेशियो या कॉन्ट्रास्ट आपको पता चल जाएगा कैसे क्या होता है। क्लियर? इवन देन इतना ही नहीं, आपका जो HDMI है ये आपका ए टाइप HDMI अवेलेबल है। HDMI हाँ, सी टाइप भी अवेलेबल होता है, सी टाइप एंड और डी टाइप हाँ, ये सब HDMI पोर्ट अभी अवेलेबल है। आप मार्केट में जाएंगे तो ई टाइप भी देखने को मिलेगा, वन मोर विच इज ई टाइप HDMI। इतने सारे हाँ, इनमें अगर देखा जाए तो मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी जो हमारी होती है अभी मतलब कि सी टाइप अगर देखेंगे तो ये आपका एक लेटेस्ट उसमें देखने को मिलेगा, राइट? बी टाइप भी हमारा एक पुराने उसपे मतलब सिमिलर है, नहीं होता है थोड़ा सा कोई पोर्ट छोटा कोई बड़ा कुछ ऐसे लेकर इन सब चीजों का होता है। मैं इसको एक बार दिखाऊं यहाँ पे, अगर सी टाइप, डी टाइप, HDMI केबल्स ऐसे करके एंड सारी चीजों का यहाँ पे दिखाएगा। तो देखो ऐसे करके होता है ना? अभी मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसे कुछ करके, ये वाली केबल देख रहे हो, ये वाली ऐसे, ये डी टाइप का है। देखो डी शेप बना हुआ है ना, ऐसे ही जो स्मॉल करके थोड़ा सा होता है सी टाइप का आता है। तो सिमिलर है, इसमें स्पीड का ज्यादा नहीं है, ये मैक्सिमम अप टू चला जाता है जैसे सी का, बट उसकी कैटेगरी भी होती है। जैसे आपने ये ले लिया, ठीक है, सी टाइप का है। अब सी टाइप में क्या है कि लो कैटेगरी का, हाई कैटेगरी का सारा बन के आता है ना?
ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बी टाइप में कम मिलेगा, वो सभी में अच्छी क्वालिटी का मतलब ये मिल जाता है, राइट। सारी केबल्स इसमें जो है 20-40 हर्ट्स तक का आपको रिफ्रेश रेट सपोर्ट करके देती हैं, इन कैपिटल है जेट, ओके। 240 बहुत ज्यादा होता है, इवन देन हम लोग जो अभी स्क्रीन यूज करते हैं। अच्छा, कितने लोग लैपटॉप यूज करते हो, आपका लैपटॉप पता है कितना सपोर्ट करता है, कभी देखा है आप लोगों ने? नो सर, डिस्प्ले सेटिंग में मेरा शायद 74 तक सपोर्ट करता है, मतलब एक आउटपुट भी हमें देखने को मिलता है। जैसे मेरा ये लैपटॉप है और देखो इसमें HDR सपोर्ट और ये सब चीजें दिया हुआ है, कैसे क्या है, रेजोल्यूशन कितना सपोर्ट करता है, ये सब चीजें, ग्राफिक और ये सब दिया हुआ, एडवांस डिस्प्ले डिटेल्स में आते हैं, रिफ्रेश रेट सब कुछ दिखाएगा। तो इसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, ओके। इसमें कलर स्पेस जो है SDR का है, स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज, मतलब अच्छा कलर एक्यूरेसी इसमें मिलेगा। 6 बिट डेप्थ मिलता है, 8 बिट वगैरह पे बहुत अच्छा कलर आपको मिल जाता है, कलर फॉर्मेट RGB है, राइट। देख रहे हो, इतना कम कर देंगे इस पे तो कलर अभी बिल्कुल, ये जो इतना अच्छा सा दिख रहा है सब बिल्कुल थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, है ना। तो आपके मॉनिटर का भी उतना सपोर्ट होना चाहिए, अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर ये टेक्नोलॉजी है तो मॉनिटर में भी वो टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ HDMI लगाकर और 2K डिस्प्ले पर आप 4K का मजा ले पाएंगे, ऐसा नहीं है। फिर उस क्वालिटी का वो भी होना चाहिए, जैसे अभी मैं यहाँ यहीं पे दिखाऊं, मैं दूसरा अगर यहाँ पे सॉरी अगर मैं अभी अपने मॉनिटर पर दिखाऊं लाइक डिस्प्ले सेटिंग में, एंड ये सेकेंड वाला एक जो डिस्प्ले है इसके अंदर, तो अभी आप देख सकते हो इसमें जो सपोर्ट आपको मिल रहा है इतने सारे रेजोल्यूशन का है, राइट। और अगर एडवांस डिस्प्ले रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ पे 74 चला गया है, 8 बिट का कलर एक्यूरेसी मुझे मिल रहा है ना, जो कि और बेस्ट है। इस समय जो डिस्प्ले आप देख रहे हो, अगर हम जो देख रहे हैं वो कलर एक्यूरेसी हमें 8 बिट पर और 74.97 हर्ट्ज पर मिल रहा है, राइट। अब आप अगर मान लिया कि लो क्वालिटी पर कनेक्ट हैं, 10 मतलब कि 720 पिक्सल पर है, ऐसे कुछ है, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, उतना बेस्ट नहीं दिख रहा होगा जितना मुझे यहाँ पे दिख रहा है, समझ रहे हैं। ऐसे ही है, अगर यही मैं अच्छे वाले मॉनिटर जैसे 4K वाले मॉनिटर पर कनेक्ट करता हूँ तो और अच्छा, एडिटिंग वगैरह में जब यूज करते हैं तो वहां पे कनेक्ट करके यूज करते हैं, समझ में आया, तो वहां और बेस्ट कलर एक्यूरेसी मिलता है। तो जब भी हम लोग इन सब डिवाइसेस को बाई करते हैं, चाहे पर्सनल यूज के लिए, कंपनी यूज के लिए, तो हमें हमें दिमाग में रखना चाहिए कि क्या हमें मतलब देखना है या कैसे क्या करना है। इसमें 4K तक का सपोर्ट मिल जाता है, तो आप मैक्सिमम जितना रेजोल्यूशन है काउंट कर सकते हो, 3.8 जो भी करके आता हो, बहुत बड़े में इसका वो आ जाता है। और इसमें जो है हाई रिफ्रेश रेट के साथ हाई क्वालिटी वीडियो प्रोड्यूस तो करता ही करता है, बस ये सारी डिटेल्स आपको आती है। तो कुछ देखा आपने डिफरेंसेस दोनों के बीच में, ये काफी अच्छे से मुझे समझना था इसलिए मैंने इसको सोचा कि लाओ यहाँ पे करा देते हैं। आई थिंक अभी VGA और HDMI का बिल्कुल डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, और हमेशा अभी किसको यूज करने वाले हम लोग, HDMI लेवल पर, HDMI को, ओके। तो ये टर्न वाले टाइम पे तो VGA फिर बिल्कुल ही नहीं होगा, सारे में HDMI आ जाएगा बिल्कुल। अभी अब देखो तो HD मतलब VGA तो हट ही गया, अगर नए लैपटॉप डेस्कटॉप इन सब चीजों में जाइए तो डेस्कटॉप में तो मिलेगा, राइट है, डेस्कटॉप पे तो मतलब हर कोई 4K डेस्कटॉप नहीं खरीदेगा, तो क्या मतलब जिसके पास वो, तो लैपटॉप वगैरह में तो अब देखो VGA का सपोर्ट नहीं आता। अभी मैंने दो तीन सीरीज इस्तेमाल किया फ्रॉम 4 और 5 ईयर, तो किसी सीरीज में मुझे ऐसा नहीं था HDMI। डेल वगैरह में अभी मिल जाता है, अगर डेल वगैरह का लैपटॉप आप देखोगे तो उसमें HDMI सपोर्ट मिल जाता है। एक बार देखते हैं यहाँ पे डेल लैपटॉप, तो सर Asus तो दे रहा है, मैंने Asus का लिया था, मेरे में HDMI है, तो मैक्सिमम डेल वगैरह के लैपटॉप में अभी भी हमें ये पोर्ट देखने को मिल जाता है, बट ऐसा नहीं है कि सभी मॉडल और इन सब चीजों में देखने को मिल जाए। थोड़ा सा आप देखेंगे, हाँ ये देखो ऐसे ये HDMI पोर्ट यहाँ पे है, ऐसे करके ये मिल जाता। अभी अगर मैं दिखाऊं, म्यूट कर दो किसी की तरफ, बैठ जाऊं माइक,
म्यूट कर दिया करो ना जिसकी तरफ बैकग्राउंड आ जाए तो। ठीक है, बहुत नॉइज आ रही है किसी तरफ। सॉरी, डेल लैपटॉप बैग ही आ गया। ऐसे ही एचपी लैपटॉप वगैरह देखेंगे तो इसमें भी आपका वीजीए पोर्ट आता था, बट अभी इन सब चीजों में या लेनोवो वगैरह में तो काफी पहले से हटाया जा चुका है। डेल अभी भी आपको सपोर्ट देता है क्योंकि डेल के जो लैपटॉप है ना, ये कंपनी या इंडस्ट्री में काफी ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, या ये नहीं होता है, काफी टिकाऊ लैपटॉप आपको देखने को मिल जाता है। ओके, ये सारी चीजें होती है। इज इट क्लियर टू एवरी वन? सभी को क्लियर यहाँ तक? तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी बिल्कुल फंडामेंटल है ये, स्क्रीनशॉट कहीं हेल्प करेगा आपको इन सब चीजों के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग केबल एंड इन सब सिलेक्शंस पर आते हैं। केबल्स कंप्यूटर्स वगैरह में कितने टाइप्स के होते हैं, इतना जो यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये सभी केबल्स तो नहीं है बट कुछ केबल्स यहाँ पे हैं जिसको मैं बता देता हूँ क्या क्या है। इस मैं अभी म्यूट अनम्यूट कर सकते हो आप लोग, बट बैकग्राउंड में जिनके नॉइज होना वो म्यूट रखो, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, अनम्यूट कर लीजिए अगर किसी को करना है। इस केबल को क्या बोलते हैं? चैट बॉक्स में मेंशन करो, आपकी आवाज नहीं आ रही है तो। लैन केबल, ये हमारा लैन केबल होता है, लैन केबल या इथरनेट केबल इसी को बोला जाता है, राइट? इथरनेट केबल, इसका मार्केट में जो वैल्यू है ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग है ना, ये कैटेगरी में आता है, कैटेगरी 1, 2, 3। नवीन म्यूट कर लीजिए। जिनकी तरफ भी बैकग्राउंड नॉइज रहे ना, म्यूट कर लिया करो। सर आप सबको म्यूट करो ना, अब वही करेंगे एक दो दिन के बाद। तो कैटेगरी वाइज केबल्स आती हैं ये, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, बट कैटेगरी 1 से लेकर 4 तक का भी मार्केट से एक्सक्लूड हो चुका है, इसका कोई यूज नहीं है, हटाया जा चुका है। अभी अब मार्केट में अगर बाई करने जाएंगे तो कैटेगरी 5, 6, 7 ऐसे करके मिल जाएगा। और इन सब चीजों का आपको डेप्थ में नेटवर्किंग में पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा कि कैटेगरीज वाइज स्पीड और क्या डिफरेंसेस आते हैं। सो दिस इज द लैन केबल विच इज यूज टू कनेक्ट इंटरफेस कनेक्टिविटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हम लोग नेटवर्क में कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब चीजों पर इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है हमारा, दिस इज द मीटर, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीटर या जो भी ऐसे, ये पावर कंजप्शन, पावर मेजर करने के लिए है ना, डीसी और एसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एसी और डीसी वोल्ट क्या होता है? एसी सर अल्टरनेटिंग करंट, डीसी डायरेक्ट करंट। एसी जो होता है अल्टरनेट करंट होता है, डीसी डायरेक्ट करंट होता है। तो हमारे घर में जो करंट आता है वो कौन सा करंट होता है, कौन सा होता है? एसी होता है, एसी सर, सिंगल फेज। हाँ, और सिंगल फेस पर होता है। और ये डीसी जो होता है, ये फोन चार्जिंग का एडाप्टर कन्वर्ट करता है इसको, ये लो वोल्टेज का होता है। तो सबसे ज्यादा अगर डेंजरस की बात करें तो कौन सा है, एसी या डीसी? सर डीसी होगा, डायरेक्ट करंट होगा। ये है, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर कभी इसके साथ सामना हो गया हैवी वोल्ट में तो। यहाँ पे तो ठीक है, ये भी ऐसा नहीं है कि मतलब इसको फिर इसके साथ खेलना स्टार्ट कर दो, दोनों ही डेंजरस हैं, जानलेवा हैं, बट काफी ज्यादा इसके साथ वो होता है, ये छोड़ता नहीं है। अगर इन्वर्टर और इन सब चीजों का कभी करंट किसी को ये सब चीजें लगे तो फिर सोच लो कि हाँ, अगर हैवी सप्लाई और इन सब चीजों का है तो। और इसका फिर भी झटका वटका लगेगा, बच जाएंगे सभी लोग, बट इसमें तो दिक्कत होती है। बट इसमें जो 11,000, 33,000 ऐसे वोल्टेज और इन सब चीजों पे होता है तो वो बिल्कुल उधर पास में भी नहीं जाने वाला है। कभी भी मोर देन 20 वोल्ट से ज्यादा पावर सप्लाई है तो कभी उसके साथ
वो नहीं करना चाहिए। इवन देन हम लोग जो चार्जर वगैरह बाई करते हैं ना मोबाइल का, वो भी 220 से लेकर 240 तक का क्या करता है, एसी इनपुट करता है, राइट। और ये एसी इनपुट करने के बाद क्या करता है, हमारे को आउटपुट देता है, कभी 5 वोल्ट का, कभी 8 वोल्ट, है ना, हमारे मोबाइल डिवाइसेस और इन सब चीजों में। लैपटॉप के लिए 18-22 वोल्ट का पावर सप्लाई हमें मिलता है, ये डीसी का मिलता है, राइट। तो इन सब चीजों के साथ भी ऐसा नहीं है कि हम कभी भी चार्जर को इधर उधर से टच करें ये सब चीजें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सोचो कि थोड़ा सा भी उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ या कुछ भी ऐसे तो क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी डिवाइसेस है जो एसी या डीसी पर चल रही होती है और हैवी वोल्टेज का उसमें होता है, तो वो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो कभी भी किसी भी वायर को ऐसे नहीं टच करना चाहिए, तो ये याद रखेंगे। एंड एसी डीसी का भी ध्यान रखेंगे, और किसी भी तरीके का पावर सप्लाई हमारे लिए डेंजरस होता है। ये हमारे पास एक यूएसबी केबल है, जो कि आप देख रहे हो यूएसबी 3.0 से एक एडाप्टर दिया हुआ है। जैसे नहीं होता है कि कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनमें मतलब केबल लेंथ बढ़ाकर उसको नहीं होता एडाप्टर को एज अ कनेक्ट करके यूज करना होता है, तो वहां पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। यूएसबी है ये हमारा, कौन सा केबल है, ये वही वीजीए केबल है जो अभी तक आपने देखा था, राइट। ये वही वीजीए केबल है जो अभी तक आप देखे थे। तो इस वीजीए केबल का इस्तेमाल करते हैं ऑडियो आउटपुट के लिए। इस केबल को क्या बोलते हैं, पावर कॉर्ड। हाँ, पावर कॉर्ड। इस केबल का इस्तेमाल किया जाता है पावर सप्लाई देने के लिए। कभी कभी हम लोग कंप्यूटर डेस्कटॉप वगैरह में जो पावर सप्लाई देते हैं ना, तो इस पावर केबल का प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी नहीं है उन सब चीजों का, तो भी हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट होता रहता है ना। जैसे कि यहाँ पे 3 पिन है और डैमेज है, कोई पिन प्रॉपर स्पार्क कर रहा है, पिन वगैरह ऐसे कुछ है ना, और ये हमारे सोर्स में जाकर प्रॉपर कनेक्ट नहीं है, तो भी आपका सिस्टम प्रॉपर मतलब रिबूट होता रहेगा। तो इन सब चीजों को सबसे पहले चेक करें कि पावर सप्लाई का कनेक्टर तो नहीं किसी तरीके से प्रॉब्लमेटिक का काम कर रहा है। तो ये यहाँ पे हमेशा 3 पिन दिया रहता है, आपने देखा होगा ये जो कनेक्टर है कुछ ऐसे बना हुआ है, नीचे 2 पिन है निकला हुआ, एक ऊपर है। नीचे चलो ठीक है, आपका एक प्लस माइनस के लिए समझ लो ऐसे हो जाता है। ये किस लिए होता है, ग्राउंड के लिए, अर्थिंग ग्राउंड। तो ग्राउंड हम लोग देते हैं लगभग में 50% घरों में ऐसा नहीं किया जाता है। इससे क्या प्लस और माइनस पॉइंट हो सकता है, मतलब क्या पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स है बताइए। सर वो ग्राउंड से सर लीकेज करंट को अब्सॉर्ब कर लेता है। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, जो भी हमारे एक्स्ट्रा करंट्स होते हैं ना, उस करंट को या वेस्ट करंट जो भी होते हैं उसको ये क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। क्या स्पेलिंग होगी, अब्सॉर्ब मतलब ये एक तरीके का उसको मतलब कि अर्थ में भेज देता है, सिंपल, ठीक है। ये इसको वेस्ट कर देता है, किसी भी वेस्ट करंट को ये क्या करता है, उसको कंज्यूम कर लेता है, राइट। इससे क्या होता है कि आपके नेट मतलब आपके कंपोनेंट्स को अगर अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई किसी तरीके से चली जाती है, कभी कभी देखा होगा बहुत हैवी पावर सप्लाई आ गई अगर अचानक बाय मतलब किसी डिफॉल्ट की वजह से, तो ऐसे करंट में आपकी डिवाइस क्या होगी, सेफ रहेगी। समझ में आया, अगर आपने इसका कनेक्शन नहीं दिया है, ग्राउंडिंग नहीं करी गई है, अर्थिंग वगैरह नहीं है, तो हैवी बारिश वगैरह में भी जो इलेक्ट्रिसिटी गिरती है और इन सब चीजों से, इन सब में काफी ज्यादा डिवाइसेस को इश्यू हो सकता है, शॉर्ट हो सकती हैं, फायर कर सकती हैं, जल सकती हैं, सारी प्रॉब्लम्स होती है। समझ में आया, और कोई बताया कुछ और क्या प्लस पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट क्या है। अर्थिंग, आपको भी जब भी टच करोगे अपनी डिवाइसेस को, अगर इसका कनेक्शन नहीं है तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा, है ना। तो ये भी चीजें होती हैं, और अगर कहीं मतलब कि वो प्रॉब्लम ज्यादा है आपके डेस्कटॉप वगैरह में, तो आप जैसे ही छूते हो पूरा का पूरा अर्थिंग आता है और उसको टच नहीं कर सकते। इससे हमारी डिवाइसेस के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, जो स्मॉल आईसीज होती हैं, इन सब पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसी वजह से हमारे कंप्यूटर और ये जो छोटी छोटी आईसीज और ये सब चीजें होती है, तो ये प्रॉब्लम करती है, क्योंकि अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई हमारे नेटवर्क सॉरी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, हमारे
जो भी ट्रांसफार्मर होते हैं वो जब तक बैलेंस, ठीक है, हर एक की एक लिमिट होती है कि ठीक है इतना तक तो हम बैलेंस कर देंगे, उसके आगे पीछे कुछ होता है तो हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे, चाहे वो आईसी हो, लो टू डाउन, सॉरी लो टू हाई, हाई टू लो वोल्टेज के लिए, है ना, रजिस्टर्स लगे हों, है ना, पॉइंट टू पॉइंट करंट पहुंचाने के लिए किसी भी तरीके का, तो ये सब कुछ मैनेज होता है एक लिमिट, मतलब वॉल्यूम तक। उस वॉल्यूम को अगर क्रॉस कर दिया जाए या डाउन कर दिया जाए तो भी हमारे डिवाइसेस प्रॉब्लम करती हैं। तो बेटर है कि हर एक तरीके से, ये एक ऐसा सोर्स है जिससे हमारी डिवाइस काफी लॉन्ग समय तक के लिए सेफ रह सकती है, बैटरी का जो इश्यू है वो जल्दी नहीं आएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंटेन होती है। तो इसको पावर कॉर्ड्स बोलते हैं। ये हमारे पास एक केबल है, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर से, हाँ, फाइबर फाइबर ऑप्टिकल ऑप्टिकल केबल। या ऑप्टिकल फाइबर, दोनों में से कुछ भी बोलो आप। ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिकल जो केबल है, इस पर्टिकुलर केबल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। लाइटिंग लाइटिंग के फॉर्म में सर, फास्ट कनेक्शन इससे कनेक्ट किए, लाइट सोर्स के माध्यम से ये डेटा को ट्रांसफर करता है। जिससे सर 5G पे इससे ही वर्क चल रहा है। 4G, 5G, ये सब जो टेक्नोलॉजी है, हैवी डेटा ट्रांसमिशन है, या जहाँ पे बहुत ही फास्ट ट्रांसमिशन चाहिए, इन सब चीजों के लिए फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी देखो इंटरनेट जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है या ऐसे कुछ में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है। बाकी सेलुलर नेटवर्क तो जितना ही मतलब 4G 5G लॉन्च हो रहा है उतना डाउन होता जा रहा है ना। तो ये सब चीजें हैं। प्लस ये हमारे SMPS के कनेक्टर्स होते हैं। अब इसमें से ये जो कनेक्टर है, साटा हार्ड डिस्क वगैरह कनेक्ट करने के लिए, पावर सप्लाई, मतलब पावर सप्लाई देने के लिए इंटरफेस होता है, ये हमारे कंप्यूटर पर PCIe के लिए होता है। ये SMPS का जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो काफी डिटेल्स में इन सभी का पढ़ेंगे, तो वैसे वर्बली मैं यहाँ पे बता देता हूँ जब केबल कनेक्टर्स के बारे में बात हो रहा है। तो ये जो PCIe है, ये ग्राफिक कार्ड या एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स जो हमारे होते हैं उनको पावर सप्लाई देने के लिए होता है। 20x20 पिन का कनेक्टर्स होता है, 24 पिन का, जो हमारे मदरबोर्ड पर पूरा सप्लाई पावर प्रोवाइड करता है। ये फ्लॉपी डिस्क कनेक्टर होता है, फ्लॉपी डिस्क को पावर सप्लाई देने के लिए। ये P4MB कनेक्टर्स होता है, हमारे मदरबोर्ड पर एक्स्ट्रा पावर सप्लाई के लिए होता है। जो भी आप पेन ड्राइव, अदर जो भी मतलब रिसोर्सेस यूज करते हो ना, जैसे कि आप अपने लैपटॉप पर कोई कंपोनेंट्स यूज करते हो या डेस्कटॉप पर कुछ भी लगाते हो, तो उसको पावर सप्लाई चाहिए ना। जैसे हार्ड डिस्क एक आपने लगा दिया, आपने कोई दूसरा मतलब कि कंपोनेंट, डीवीडी राइटर लगा दिया, ऐसे कुछ भी आपने कनेक्ट कर दिया, प्रिंटर लगा दिया, कुछ भी ऐसे, तो उस एटलीस्ट उसको भी तो वो पावर सप्लाई चाहिए। पेन ड्राइव आप लगाते हो, एक ही बोल्ट का पावर सप्लाई चाहिए, 0.5 बोल्ट का ही चाहिए, बट चाहिए तो उन सब चीजों को पूरा करने के लिए, डीवीडी राइटर हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, तो एटलीस्ट इसका जरूरत पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर भी मोटर लगे होते हैं इन सब चीजों पे चलाने के लिए, तो एक्सटर्नल पावर सप्लाई होता है। ये मोलेक्स पाटा हार्ड डिस्क वगैरह को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर्स वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। पाटा वैसे मार्केट में है कि नहीं? अभी यूज किया जाता है तो मार्केट में है अभी, बट यूज किया जाता है ना के बराबर। यस सर, कहीं कहीं होता है सर। मैंने अभी बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे साटा और पाटा क्या चल रहा है, तो साटा हार्ड डिस्क अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो कुछ ऐसे हार्ड डिस्क आपने देखा होगा, ये देखो, ये साटा हार्ड ड्राइव है, ये लैपटॉप वगैरह में देखा होगा कि ऐसे पिन करके होता है। अभी अभी यही देखा ही होगा। बाकी जो पुराना, जो 5 साल 6 साल पुराना हार्ड डिस्क अगर देखेंगे तो ऐसे 40 पिन का कनेक्टर ऐसे आता था, है कि नहीं? और ये बहुत जल्दी डिस्क खराब होती थी, इसमें OS भी सिक्योर नहीं रहता था, अचानक 2-3 बार बंद हो गया तो OS करप्ट हो जाता था। बट ये जो डिस्क है काफी स्मार्ट है, इससे भी स्मार्ट डिस्क आ गई है। SSD वगैरह की बात करें हम लोग तो पढ़ेंगे स्टोरेज वाले ऑप्शन में। तो बेस्ट हमारे लिए क्या है कि अगर आज हम लोग एक लैपटॉप डेस्कटॉप बाई कर रहे हैं, लैपटॉप में तो पाटा नहीं मिलेगा, हमें साटा ही मिलता है देखने को, SATA मिलता है, सेटा साटा जो भी बोलो। तो यहाँ पे जो पाटा डिस्क है, ये 40 पिन का काफी ज्यादा पावर कंजप्शन भी होता था, हीटिंग भी बहुत ज्यादा थी और बहुत सर, स्लो था, है ना। हाँ, ये साटा और पाटा का फुल फॉर्म?
ये सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है, ये पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। देखो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और पाटा का ऐसे पैरेलल बस यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो ये सब बेसिक टेक्नोलॉजी था इन सारी चीजों को लेकर। और किसी ऐसे कंपोनेंट या क्वेरी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं अभी तक तो बताइए।